बोले भलाइयों के परमेश्वर की जय। भलाइयों के परमेश्वर की जय। सो खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ आपके सुंदर समय के लिए, और सच में आपकी गवाहियां बड़ी शानदार गवाहियां थी, और शेखर मेरे पास रहता है, मोटा मोटी मेरे को मालूम था, लेकिन इतनी बड़ी गवाही है ये, मैं भी इस बात से अनभिज्ञ था। परमेश्वर के नाम की भारी प्रभुता हो, और विगत 4 महीने से वो मेरे पास ही रह रहा। उसकी बहन उर्वशी के यहाँ जब हमने पार्टिसिपेटिंग लिया, उन्होंने प्रस्ताव रखा, बोले अंकल ऐसी सी बात है, मेरा भाई उसके रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कहीं फुटपाथ में सो रहा है, कहीं दुकान पे सो रहा है, कहीं और सो रहा है। मैंने कहा तुरंत ले जाओ। अब खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी जिंदगी बदली है, परमेश्वर के नाम की तारीफ पर महिमा और बड़ा है। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुना, लेकिन किसी भी एक भी गवाहियों में ये गवाही किसी ने नहीं बताया कि मैं इसको समाचार सुनाने गया था, गई थी, अब मेरे द्वारा कोई आया है प्रभु में, ऐसी गवाही सुनने मुझे नहीं मिली। 2021 क्रियों यह विशेष घना वर्ष है ना, याद है कि मेरे जाने का भूल गए। इस अभिषेक के वर्ष मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग सुसमाचार सुनाना प्रारंभ कर चुके हैं, कितने लोग सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किए, बहुत कम है, ये तो दोनों हाथ उठा कर अभी भी सुसमाचार नहीं सुना है हम लोग, क्या करें। इधर से एक लड़की के भाई थी, तुम होंगे, एक लड़की के भाई थे, मेरे पापा हैं, उनको प्रभु ने चंगाई दिया, कौन लड़की थी, सुसमाचार सुना लियो, ये सब लोग यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आए, और ऐसा लगता है सिर्फ चंगाई वाली दवाई है, इससे काम करने वाले चाहे चंगाई मिले ना मिले, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा, परमेश्वर फिर अच्छी बात, प्रभु ने चंगाई दिया, चंगाई देते हैं, दे रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात वो नहीं है मेरे प्रियो, आज व्यक्ति चंगा हो गया, अच्छी बात, लेकिन कुछ समय के पश्चात अगर प्रभु को घृणा करे, उस समय घृणा करे और जीवन में प्रभु को जीवन ना जिए ग्रहण करने के बावजूद, तो क्या उसकी आत्मा बचेगी। एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त करने के बावजूद भी बना कर जा सकता है परमेश्वर फिर, लेकिन सुसमाचार के बाद एक व्यक्ति को सुनाते हैं, उसे स्वर्ग जाने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं आप, उसके आपका विमोक्ष के लिए प्रस्ताव आपके द्वारा दिया जाता है। इसलिए मैं फिर से आपको उत्साहित करने के लिए यहां पर मौजूद हूं कि आप स्वर्ग प्रभु के काम में अग्रसर। ये 2021 में आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं चाहता हूं और परमेश्वर यही चाहता है कि आपको खुद विश्व समाचार सुनाए खुद भी। अब जैसे 4 दिन पहले की बात है, हमारे एक अनपढ़ महिला सिद्ध भाई नाम, उसने कहा प्रभु में प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि कमतरे का जो बाजार है वहां पर परमेश्वर तेज रोशनी पड़ रही है। अब खुदा ने मुझसे कहा कि जाओ समाचार सुनाने के, एक महिला और 2 पुरुषों को लेकर पिछली बार जब वहां पर बाजार लगा, खमतराई में बाजार में सब्जी बेचने वाला और जितने लोग वहां पर खरीद रहे होंगे उस समय, सबको उन्होंने सुसमाचार सुनाया और ट्रैक काटा मोक्ष का, प्रभु की महिमा। बड़े आनंद के साथ परमेश्वर में आपको बता दूं कि लोग हृदय को परमेश्वर खोल रहे पाओ, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपके मन में जो संकोच है उससे आप निकाल लें, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है और बोलेगा तो उसको झेलने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। कोई बोलता है आपका अपोलिटिक्स दिमाग कहता है आपको मारपीट करता है, प्रभु को महिमा मिले, आप सब तैयार हो मानसिक रूप से मेंटली तैयार कि 2021 ऐसे नहीं जाने दें। कुछ नए लोग आए हैं पिछले महीने, अब तक आज 7 तारीख हो गई, 1 जनवरी के बाद कितने लोग यहां पर ज्वाइन हुए हैं अपना हाथ उठाएं, 1 जनवरी के बाद कितने लोग आए हाथ पूरा उठाएं, 1 जनवरी से अब तक
साधारण महिला है रेखा कैंपोलकर, पिछले रविवार उसके द्वारा 10 लोग आए हर विषय में काम किया। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय यीशु मसीह का प्रचार करने का समय है। परमेश्वर बिल अब याद रखें, खुदा जी बिना जानकारी के आपके साथ कोई घटना घटित होने वाली नहीं। आपको हिम्मत करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और एक फैसला लेना पड़ेगा। चाहे कुछ वीडियो ना हो जाओ, मैसेज ना कर सुना तो भैया बहुत खुशी है, प्रभु ने चंगाई मिल जाए, कैंसर से चंगाई मिल गई। अब मैं कहूंगा तो तुरंत पानी का बपतिस्मा हो, पता नहीं क्या होगी बाकी हो गया, प्रभु की महिमा। अब जीवन भर ईमानदारी के साथ प्रभु की पीछे चलना है। कैंसर वाला भाई कहां बैठा हुआ है? कैंसर वाला भाई चंगा हुआ भाई? हाँ, जीवन भर प्रभु के पीछे चलने की जरूरत था। अब आपको पूरे गांव में जहां भी आप रहते हैं, आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको जाकर बताएं कि मैंने यीशु मसीह ने झंडा किया और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका हूं, पानी का बपतिस्मा ले लिया हूं, अब मैं यीशु मसीह का अन्यायी बन चुका हूं। यह आपको खुलकर लोगों को बताने की जरूरत है। परमेश्वर फिर हम आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लोगों को बताना नहीं जाता। मैं उत्साहित करूंगा कि आप अपने अंदर प्राणों को भय निकाल दें। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप धमकाए धमकाए कुछ भी करें। प्रभु के दासों के साथ जैसा हुआ, आपको छुड़ाने वाला आपको परमेश्वर है। शकर में से अबद्र को आपके भट्टे में डाल दिए गए, क्या वो मर गए? मर गए क्या? दान जैसे उनकी मां में डाल दिया गया, क्या ऐसी खा गए ऐसे नहीं? आपका कोई भी बाल विभागा नहीं कर सकेगा। आप सुसमाचार सुनाना प्रारंभ करें प्लीज, निकले सुसमाचार सुनाने के, घर के अंदर घुसे रहने का ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ये देरी करने का वक्त है। एक बड़ी भीड़ यदि अंधकार ने उद्धार पाया, लोग नाश होने बिना यीशु मसीह के मेरे लिए और आपको कैसे शाम में बैठे मुझे बता दें, कैसे आप लोग चैन के साथ बैठ रहे हैं बिना सुसमाचार सुनाए। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है, एक महीने से ज्यादा निकल गया है। क्या पुरुषों की यही स्थिति है? कितने लोग सुसमाचार सुना रहे हैं? हाथ उठाए, मुश्किल से 4-5 हाथ उठे हैं, बाकी सब अब भी चुपचाप बैठे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि सुसमाचार ना सुनाए तो हमारे लिए वो क्या होगा? आए और सुसमाचार सुनाए तो उसमें कोई घमंड की बात नहीं। सुसमाचार सुनाना तो अवश्य है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना, गांव की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, आपको चुप रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं। विरोधियों के चेहरे देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं, उनकी आंखें बंद होने के कारण मेरे प्रियो वो सोच रहे हैं कि आप उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। याद रखिए, आप कभी धर्म परिवर्तन की बात सुन न कर। कोई आपसे कहता है कि आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं इसलिए मुझे बता रहे हैं, आप उनसे कहेंगे नहीं, मैं अपने जीवन पर परिवर्तन का वर्णन आपसे कर रहा हूं, उनके देवी देवताओं के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। आप बातचीत करें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर के लोग, क्या आप लोग नहीं चाहते कि लोग बचाए जाएं? कितने लोग नाश हो रहे हैं आपको मालूम है? कितने लोग डेली मर रहे हैं बिना यीशु मसीह के? कितने लोग प्रतिदिन नरक में पहुंच रहे हैं? परमेश्वर के लोग, क्या हमारे अंदर उनके लिए कोई बोझ है? क्या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या उनके पास हम जाएंगे मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाने? पिछले दिनों में 3 महिलाएं मोक्ष मार्ग लेकर निकली और बताती लगभग 125 घरों में वो पहुंची हैं। 25 घरों में प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाया और उनका कहना है कि अंकल सारे लोग बड़े आनंद के साथ में मोक्ष मार्ग को लिए। कई लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दिया और हमारा नंबर दिया, किसी ने भी विरोध नहीं। विरोध हो सकता है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर परिस्थितियों क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, हमारे यहां की राजपूत महिला जिसका पति
अपने एक बच्चे को लेकर दूसरी महिला के साथ भाग चुका है। उसके बाद ये प्रभु में आए चार महीने पहले, अपने घर में 3 दिन को पांच प्रार्थना रखी। तीसरा दिन था उसमें यजमान पास्टर पॉल और प्रवीण और ब्रदर स्टीफन और वो एक बंदा था, चार लोग वहां पहुंचे। थोड़ी देर में जब आराधना चल रही थी बजरंग भाई उसके मेरे को फोन आया, मैंने कहा बात करा उनसे, बोलो कि शिवसेना का जो जिला प्रभारी है मिस्टर संतोष मरकंड उनका बड़ा भाई बात करे। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं मेरे सामने आना, फोन में बात नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने शिवसेना में बात की, उन्होंने डीआई को फोन किया, फिर मैं थाने गया, वहां से पुलिस गाड़ी लेकर मैं स्पॉट पर पहुंचा। इस बीच मेरी बिटिया आगे को लेकर वहां पहुंची और उन विरोधियों से वो बात कर रही थी जब मैं वहां पहुंचा, फिर मेरे लिए उनसे बातचीत हुई। उसके बाद पुलिस वाले हमें गाड़ी में बैठा कर थाने ले आए और 1 घंटे के बाद गए। विरोध हो गया हमें तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कलीसिया पढ़े, अगर हम चाहते हैं कि आत्माएं बचाई जाए मेरे प्रियो, तो हमें रिस्क तो उठाने पड़े, जो भी मान लो उठाना पड़े। और आप ठान लें ज्ञान से इस सभा के पश्चात मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं जाऊंगा और प्रभु के सुसमाचार में सुनाऊंगा। आज इस समय फिर तो काम आदत है उसके बारे में कुछ बातों को हम लोग काम आदत है उसके बारे में युद्धों के हाथों से अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेतों के हाथों से बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह लोगों में दिखाए जाते थे। हाँ। और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। भविष्य अभिषेक के स्पर्श में ऐसे बड़ा काम करना चाहते हैं चिन्ह और चमत्कार के साथ मेरे प्रियो, तो हम लोग को इनके समान ये लोग सुलेमान के ओसारे में कैसे मुलाकात करते थे, कैसे इकट्ठे होते थे, कैसे इकट्ठे होते थे, पढ़ो ना जी। परंतु औरों में से नहीं भाई इसी बोलो फिर से, और वे सब एक चित होकर, हाँ जी कैसे इकट्ठे होते थे, एक चित होकर। मैं आपको बता दूं अभिषेक के स्पर्श में यदि आप सब खुदा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं और चिन्ह और चमत्कार के साथ सेवा करना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, चाहे योग ही क्यों ना हो, योग हम सबको एक ही होना पड़े। आमेन। हम सबको न केवल सेवक बन बल्कि हम सबको पूरी कलीसिया को एक होना पड़े, तब खुदा का अभिषेक हम प्राप्त करें। वो अभिषेक जिसके द्वारा लोगों के मध्य में चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए हो गए, ऐसा अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रभु की सेवा विरोधियों के मध्य में करने के लिए हमें एक चित होने की जरूरत है परमेश्वर मिलो। मेरी विनम्रता यह है कि शैतान हम लोगों को आपस में लड़वाता है, आपस में झगड़े करवाता है, आपसी मनमुटावों को बढ़ाता है। हम लोग इस बात को नहीं समझते, हम लोग एक चीज नहीं होंगे मेरे प्रियो। याद करें आप 120 लोग ऊपरी अटारी में प्रार्थना कर रहे थे, प्रतिज्ञात पवित्रात्मा के उतरने का इंतजार कर रहे थे। पवित्रात्मा सब पर उतरा, पूरे 120 लोगों पर पवित्रात्मा का अभिषेक अन्य भाषा देने के साथ होता है। वो सब एक मन होकर एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज कलीसिय के अंदर में शैतान फूट आने का प्रयास करता है। यदि खुदा का अभिषेक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज सब एक चित हो जाए, एक मन के हो जाए। हम आपस में लड़ाई करके शैतान से कैसे भी नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर एकता को देकर शैतान आगे, हमारे अंदर एकता है कि खुदा का अभिषेक हमारे अंदर आए और हमें होकर वो बहता बहता लोगों तक जाएगा। वरना विश्व की छोटे बच्चे परमेश्वर पर भजन संहिता 43 अध्याय उसका 1-2 वचन को पढ़ो। भजन संहिता 43 अध्याय 12-2
देखो यह क्या ही भली और मनोहर, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में कैसे रहे, कैसे रहना है जी, मिल रहे। हाँ, यह तो उस उत्तम तेल, यह तो उत्तम तेल की समान है जो हारून के सिर पर, हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बांधा, और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। बोले जी हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग जहां एकता होती है, जहां पर हम एक मन होते हैं, एक जुट होते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमें लोगों में फैला फरम हो जाता है। परमेश्वर के लोग इसलिए शैतान भविष्य में फूट डालने का प्रयास करता है, परिवार में तो फूट डालने का प्रयास कर रही है, वर कलीसिया जो यीशु मसीह के दूर है उसमें फूट डालो और राज्य करो, ये नीति वो अपना चाहे। हम जब एकता हो गया तो एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक हम में होकर मेरे प्रियो, वो हर के सिर पर डाला गया उत्तम तेल उसकी दाढ़ी से होकर वस्त्र की छोर तक बह गया, वो आप में होकर परमेश्वर हम सब में होकर ऐसा काम नहीं चलेगा अभिषेक के इस वर्ष में मेरे प्रियो। मैंने आपको बताया था कि पवित्र जीवन जीते हुए खुदा के चरणों में जाना, यदि हम लोग एक मन नहीं है, एक चित नहीं है, मतलब पवित्रता बरकरार नहीं है। अगर हम लोग एक मन एक नहीं है, मतलब पवित्रता बरकरार नहीं। और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो हमें पवित्र रहना निहायत जरूरी है। आपका आपस में किसी के साथ नहीं जम रहा है, फिर प्रभु के दास के साथ नहीं जम रहा है, इस सबक के पश्चात आप एक दूसरे से माफी मांग, प्रभु के दास से माफी मांग। अगर उनके बारे में आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ सोच भी नहीं किया आपने गलत, तो इस सबक के बाद आए और हाथ जोड़कर माफी मांगे। परमेश्वर बिल्कुल शैतान के मंसूबों को फेंक कर और सब एक मन और एक हो जाए, ये सब एक चित होकर सुलेमान के उसार में इकट्ठा हुआ करते थे। हम सब भी एक चित होकर यहां पर इकट्ठा हुआ करें परमेश्वर बिल्कुल, और खुदा का अभिषेक बहुत तेज से आप लोग के ऊपर होगा, आप बेहतर हुआ मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप सेवा कर पाएंगे। आश्चर्य को काम करने के लिए अभिषेक चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक चाहिए। बिना अभिषेक के हम कैसे सेवा कर सकते हैं परमेश्वर के लोग। इसलिए आज प्रण कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। सबका काम है, घर बैठने से नहीं चलेगा, सिर्फ चलते विश्वासी मत बनिए प्लीज। संडे को आना है, काली बजाना है, भेंट डालना है, जाना है, मैं या संडे आना है, मुझे छुट्टी करना है, संडे आना है उसको बजाना है, संडे आना उसको गाना गाना है, संडे आना है मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है, माइक सिस्टम देखना है, संडे आना है सिर्फ वही देना है, नहीं। आज आप फैसला करें, मुझे इस मस्जिद के लिए जीना है और इस मस्जिद के लिए मरना है। एक भी आपने आमीन नहीं बोल रहा है। ये दुनिया आपके लिए परमानेंट नहीं है यार, ये दुनिया आपका रहने के लिए स्थायी घर नहीं है। आप कुछ समय के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं ताकि आप यीशु मसीह का प्रचार करें, यीशु मसीह के बारे में लोगों से आप बातचीत करें। परमेश्वर फिर इसलिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के काम में आगे बढ़े। हाँ आगे पढ़ो। परंतु औरों में से किसी को यह याद ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। ये लोग एक चित्त होकर सुलेमान को सारे मिलते थे, खुदा का इतना अभिषेक उतरता था मेरे प्रियो, इतने स्त्री और बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या। क्या आज वो काम हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते मुझे बता।
उनके द्वारा परमेश्वर किया, परमेश्वर क्या आज हमारे द्वारा नहीं कर सकता? बोलो जी, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक मान के कितना पड़ेगा? आपसी विभिन्नता, कटुता, कड़वाहट, बैर भाव, इन सबको अपने जिंदगी से अलग करें और आपस में मेल मिलाप के साथ रहे, आपस में प्रेम के साथ रहे और सब एक मन एक चित होकर इस स्थान पर इकट्ठा परमेश्वर का अभिषेक आप प्राप्त करें और बड़ी संख्या में लोग प्रभु को ग्रहण करें, प्रतिदिन ग्रहण करें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, आज वचन सुना यहां सोचते हैं कि हाँ मैं कल से नहीं आज से, अभी सुबह 2 बजे छूट जाएगी, 3 बजे 2:30 बजे आप घर पहुंच जाते हैं, खाना है, उसके पश्चात आप प्रार्थना करके निकले, लोगों को सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर फिर उर्वशी ने अपने भाई शेखर को सुसमाचार सुनाया, आज शेखर परमेश्वर के भवन में रहता है, उसने एक भाई का काम किया, यीशु के बारे में उसे बता कर परमेश्वर लोग, मैं समझता हूं उसकी गवाही के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर बदलेगा, अवश्य बदले। अब शेखर से मैं कहना चाहूंगा अपनी पूरी जिंदगी यीशु मसीह के लिए सौंप दो, अर्पित हो गया, रोज जाओ, जब से निकलो और लोगों को सुसमाचार सुना, परमेश्वर अनेक जमानों को जो बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारे द्वारा अवश्य बचाएगा। हालेलुया, यहां पर प्रतिदिन भारी संख्या में लोग कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे 31 तारीख को मैंने बताया था, अब तक धनात्मक बढ़ रहे हैं, धनात्मक। अगर यहां की सेवा कितने सालों की बच कर नहीं कर पाओगे, स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, 14 साल कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे अंदाज, कितने लोग बैठे भाई, 200 हैं, चलो मान लेते 200 हैं, 14 साल में 200 तो 1 साल में कितना हो जल्दी से बताएं, 14 साल में 200 तो 1 साल में कितने हुए, कितना हो गया बोल, किसी को गणित नहीं मालूम क्या, चौदह देख लीजिए 200 पार हो जाएगा, 14 2 56, 14 × 14 = 5 = 19, 197, मतलब 1 साल में सिर्फ 14 लोग बढ़ रहे हैं, क्या जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो रहा है, बोलो 365 दिन में सिर्फ 14 लोग बढ़ रहे हैं, ये हमारी स्पीड है, बताओ ना भाई, वो कलीसिया ये कलीसिया वालों को देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, बड़ा उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, है? हमारा चर्च भी कैसा है, दिखने भी बड़ा है और लोग भी काफी हैं, वो पास्टर तो 20 साल से सेवा कर रहा है, वहां पर 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं, उनको देख के हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, साल भर कर रहे जनता के उधर ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करें, बातचीत ना करें प्लीज, पूरे 1 साल में सिर्फ 14 लोग बढ़ रहे हैं, यहां पर इतनी भारी संख्या में लोग मिल रहे हैं, कुछ भारी संख्या में, यहां पर ऊपर जब पांच अध्याय में वचन चार पढ़ेंगे, हर के और सभी लोग ये पति पत्नी ले रहे हो, ये कलीसिया के साथ एक मन थे, चौथे अध्याय जब पढ़ेंगे लोग अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर बार को, जमीन को बेचकर प्रेतों के चरणों में लगा रखते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पढ़े 5 अध्याय वचन से, अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। देखें आगे आपको मालूम है, पहले पति कौन है और बाद में पत्नी क्या हो गया, क्या हो गया, 4 अध्याय पढ़े, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें कोई दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे हाँ?
वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हाँ, देख रहे कैसे थे लोग, अपने भूमि को अपने घरों को बेच बेच कर प्रेरितों के पांव में रखते थे। यहाँ पर पुरुषों की संख्या अंतिम 5,000 हो चुकी है प्रथम शताब्दी के अनुसार। इसलिए बच्चे अलग ये हरिया सफेदा इन्होंने बेचा, लेकिन क्या ये कलिसिया के साथ एक मन थे क्या? नहीं, बाकी सब ने पूरा दिया है। इन्होंने क्या किया, कुछ भाग को छिपा कर का उसका दुष्परिणाम ये हुआ, पति पत्नी दोनों प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया, हमें कलिसिया के साथ एक पद होना है, प्रभु के नाम के साथ एक पद होना है, वो जो निर्णय करते हो अपने हाथ में भरना है। आप अभी गुरु नहीं बने, गुरु उधर बैठे हुए, ये जो निर्णय करते हैं आपको सहायक होना है, आपको हाथ भरना है और उनके आदेश का आपको पालन करना है। या अगर हमने सविनय ने अपनी भूमि तो बेच दी, दोनों आपस में क्या हो गए, एक मन हो गए, पैसे चोरी कर देते, ऐसा एक मन नहीं होना। कलिसिया के साथ आप एक मन रहे, एक चित रहे और प्रभु के भवन में इस स्थिति में जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, वो स्वर्गीय उतरे का ऊपर में, जिसके द्वारा आप बड़े बड़े दाम इस मसीह के नाम से पिता की महिमा की कर सकते हैं। इससे छोटी सी बात है मेरे प्रियो, हाँ, जिसको खत्म कर किसी ने गलती कर दी उसको क्षमा करें, आपने गलती किया उसको क्षमा, पूरे कलीसिया में बड़ा आनंद रहना चाहिए। हम सबको परमेश्वर का काम करना है, एक मन एक चित्त होकर, ये मेरे और आपके घर का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम। ऐसे समय मेरे प्रियो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुलकर प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताएं, मत डरिए, मत मत झिझकिए, मत झिझकिए। आप सुसमाचार नहीं सुनाकर या आप अपने पैरों को बाहर न ले जाकर सुरक्षित नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। कई लोग सोचते हैं मैं सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहा हूं, मतलब मेरा लाइफ रिस्क में नहीं है। आप घर बैठे रिस्क में हैं, घर बैठे, हाँ, आप घर बैठे रिस्क में हैं। इसलिए मेरे प्रियो अपने प्राणों को बचाना चाहे, प्राणों को खोना चाहे आप, और चाहे सुसमाचार यीशु मसीह के महान आदेश का पालन करें, उसने कहा तो जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। गवाही बहुत अच्छी है मेरे प्रियो, लेकिन काश 4-10 4-8 गवाही ऐसी आती कि मैं फलाने जगह सुसमाचार सुनाने गई थी, फलाने जगह मैं सुसमाचार सुनाने गया था, उन्होंने विश्वास किया या उन्होंने विरोध किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या आत्माएं आई, कितना अच्छा लगता। काश आज फैसला करें मुझे सुसमाचार सुनाना अवश्य है। यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाए तो मेरे लिए परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, हाँ जी, 5 अध्याय आगे बढ़े, 12-13 हो गया, 14 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर, आप देखिए कैसा अभिषेक है रहा, कारण के वो एक मन एक चित होकर सुलेमान को सारा इकट्ठा हुआ करते थे मेरे प्रियो। आप देखिए यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटालों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बोले हालेलुया, ये अभिषेक एक मन एक चित्त होने के कारण इन पर उतना, उस घर बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष कलीसिया में शामिल हुए और उसके बाद मैंने देखा है कितने बीमारों कितने अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोग छुटकारा हो रहा। इंतजार कर रहे हैं पत्र भाई वहां गुजरेंगे तो रोड के किनारे में बीमारों को ला चाहते हैं, किसी पर परेशानी पड़ जाए तो चिंता हो जाए। परमेश्वर ऐसा अभिषेक परमेश्वर आप लोग को देने जा रहा है।
एक मन और एक होना चाहते हैं, एक मन और एक यहाँ पर प्राथमिकता बीमारों का छुटकारा और दुष्टांतों से ग्रसित लोगों का छुटकारा नहीं, यहाँ प्राथमिकता ये है बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष कलीसिया में शामिल हो। दस थोड़ी चंगे हुए एक ही वापस आया यीशु मसीह के पास, नौ चले गए। हमारी प्राथमिकता इस अभिषेक को प्राप्त करने मेरे प्रियो लोगों को प्रभु ला, हमारी प्राथमिकता ये हुई। ये तो 1+1 फ्री, बीमार चंगे होंगे दुष्टात्मा भागेंगे, ये तो फ्री में हो गए। लेकिन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि खुदा के अभिषेक को प्राप्त करके लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, तब क्या होगा लोग दर्शाए जाए, बड़ी संख्या में मेरे प्रियो लोग कलीसिया में शामिल होंगे, ये कलीसिया उन्नति उन्नति और उन्नति करते चले जाए। प्लीज चुप ना रहिए, चुप रहने का वर्ष नहीं है 2021, ये अभिषेक को प्राप्त करके प्रभु की सेवा करने का वर्ष है। आज और आगे तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुक्यों के पद के थे दाह से भर उठे और प्रेतों को पकड़ कर बंदीगृह में बंद कर दिया। हाँ जी, अभी तक एक पहले सुन रहे था, दूसरा पहले सुन रहे हैं, अभी तक बड़ा मजा आ रहा था ना, भीड़ की भीड़ शामिल हो रही है कलीसिया में, लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, पतरस भाई साहब गुजर रहे हैं, परछाई पड़ रही है, उजार दुष्टात्मा चिल्लाती भाग रही है, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब और भी अच्छा लग रहा है। हाँ पढ़े। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगिरी के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिरों में मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हाँ जी, क्या बोल रहा है स्वर्गदूत, किसने बाहर लाया, दरोगा बाहर लाया कि किसने बाहर लाया, प्रेतों को? अरे सुरक्षा परमेश्वर जब आप काम करते हैं वो आपके फेवर में रहता है, आपके पक्ष में रहता है, और हमें बिगड़ते लोगों ने डाल दिया जेल खाने में, परमेश्वर अपने दूत को भेज दिया। भाई आप कितने कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में, ये आपको अच्छे से मालूम नहीं है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है, आप परेशान हो जाते हैं, परेशान वो होता है खुदा आपके लिए। मैंने दासों को मंदिर से बाहर लाया, अपने दूत को भेज दिया, जेल को भेजने की जरूरत नहीं परमेश्वर, अपने दूत को डायरेक्ट भेज दिया परमेश्वर के लिए, जेल के मन में काम कर सकता है परमेश्वर, जेल में छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मेरे प्रियों को बाहर लेकर आया। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। देखें, ये हर परिस्थिति में प्रभु की आज्ञाकारी रहे। सर्वदूत ने क्या कहा कि मंदिर में सुबह प्रचार, बस देरी से बाहर ले आए, बिल्कुल आदेश का अक्षर सा पालन किए, चले गए मंदिर और उपदेश देना शुरू किया। ले देखे तो बाहर आए हैं, आप उपदेश देने वाला नहीं, ले देखे मैं बचा हूं, फिर मैं जाऊं उपदेश दूंगा, फिर अंदर डाल देंगे, कब तक नहीं परमेश्वर, बिल्कुल हमें परमेश्वर का काम बिल्कुल लीडर होके करना है। हर प्रकार के डर भय को आप अपने अंदर से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालो। मैंने कहा ना, परमेश्वर अगर इजाजत दे तभी आपको कोई छू सकता है। ये बंदे के लिए चले गए, दूत को भेजकर बाहर ले आए, परमेश्वर को बंदे के लिए नियमों का पालन करने की जरूरत है क्या? बोलो नहीं, वो मालिक है मेरे लोगों का, मेरे वो क्यों ऊपर है, वो क्या फैसला करते हैं, इसलिए डरे ना, इन वचनों को सुनकर आप उत्साहित हो और निडर बने और सुसमाचार सुनाना प्रारंभ करें, आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं। और तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए
परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगिरी में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगिरी को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। बोले जी हालेलुया, परमेश्वर बड़ा अच्छा काम कर चुका है, अपने दास को बाहर आता है, उनके दास उपदेश कर रहे हैं और उनको पकड़कर महासभा में लाने का चक्कर, डरे ना मेरे प्रभु, सब का परमेश्वर जो इन पीड़ितों को बंदगी से बाहर लाया वो आपका भी परमेश्वर है, वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, कैसे आपको छुड़ाएगा ये टेंशन आपका मेरा नहीं, कैसे आपको रिहा करेगा ये हमारा टेंशन नहीं है, कैसे बचाएगा ये हमारा टेंशन नहीं है, वो परमेश्वर बस हमें प्रण करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। आप स्त्री हैं पुरुष हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उनले आप जाए और लोगों को इसके बारे में बताएं, सब का परमेश्वर आपके साथ है, सब का परमेश्वर आपके पक्ष में है, मेरे ये टाइम है कि लोग एक भारी संख्या में उठा पाए, यह अभिषेक का वर्ष अब तक का जो काम नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा इस वर्ष काम होने वाला है, लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने आप को प्रभु की सेवा में झोंकने के लिए, क्या प्राणों को भय अपने अंदर से निकालेंगे, समाज का डर अपने अंदर से निकालेंगे, परमेश्वर प्रभु हाँ ये इनके साथ क्या करने वाले थे पता है, इनकी इरादे कितने गलत थे हम बयान नहीं कर सकते मेरे प्रियो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अपने दास को बाहर लिया है, इसलिए प्लीज न डर, परमेश्वर की ताकत क्या कम हो गई है, बोल परमेश्वर की ताकत क्या कम हो गई है, पहले से 2000 साल में परमेश्वर की ताकत कम हुई है नहीं, वो आजकल युवा एक सा रहने वाला परमेश्वर मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि कब मैं और आप उनके महान आदेश का पालन करेंगे, कब जाएंगे बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए, क्या ही सुहाने वो पांव जो अच्छी बातों का समाचार सुनाने के लिए बाहर जाते हैं, हाँ मेरे लिए उसने अपने पांव में मेरे के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, कोई यहां बिना सुसमाचार सुनने वाला सुनाने वाला ना बने, हम सबका काम है कि हम सब इस समस्या के बारे में लोगों को बताएं, आइए 12वां अध्याय निकालें, फिर तो कहा 12वां अध्याय 1वचन से पढ़ें। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, उसने योहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ जी, हेरोदेस ने किसको मरवा डाला? याकूब को तलवार से मरवा डाला। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, परमेश्वर याकूब को तलवार से मरवा डाला तो योहन्ना को लोग मरवा डालेंगे ऐसा नहीं, परमेश्वर अगर उस समय याकूब को नहीं बचाया इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता था कि याकूब सही हो, परमेश्वर उससे महिमा में बाकी जो चिन्ह हैं वो भी अपनी मानसिकता बनाए कि प्रभु के लिए मैं अपना जान देने को तैयार हूं। आज पढ़े, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ जी, पतरस को भी पकड़ लिए लोग, अरे योहन्ना भाई याकूब को मरवा दिए, लोग आनंदित होते हैं, पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। हाँ। उसने उसे पकड़ के बंदी गिरी में डाला। हाँ। और चार चार सिपाहियों के सिपाहियों अरे इतना तगड़ा पहरा क्या काम आएगा, परमेश्वर को अपना स्वर्गदूत भेजने वाला है। इससे पहले हमने देखा पीड़ितों को अंदर बंदी गिरी में डाल दी, तगड़ा पहरा था, तगड़ा पहरा, लेकिन खुदा ने क्या किया, अपने दूध भेजा, परमेश्वर के लोग यहां पर पतरस को अंदर डाल दिए, तगड़ा पहरा। आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन घंटे के अंदर उसको रख दिए, लेकिन सब के परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं मेरे प्रियो। इसका 5वचन को पढ़े, बंदीगिरी में पतरस बंद था, बंदीगिरी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर, हाँ जी, परंतु कलीसिया क्या कर रही थी, लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी,
कैसे लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हम कैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए। प्रार्थना धर्म जल्दी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। लेकिन यहां कलीसिया, यहां पर हम लोग एक मन एक होकर इकट्ठे होकर लव लगाकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन एक मन एक चित्त होकर लव लगाकर प्रार्थना करेंगे क्या? पतरस भाई साहब बद्धगृह में है और कलीसिया यहां पर लव लगाकर प्रार्थना कर रही है। हाँ पढ़ते हैं। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ, हाँ, दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देख रहे हैं, दो जंजीर भी बांध दिए और दो सिपाहियों के बीच में सो रहा, कितना तगड़ा पहरा, कहीं निकल ना जाए। हाँ। और पहरवे द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे, हाँ, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, हाँ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, हाँ, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे, देख रहे हैं क्या बात है, स्वर्गदूत पतरस की पसली पर हाथ मार के क्या बोल रहा है, उसे जगाया, उसे जगाया और कहा, हाँ, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों में हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़े। देख रहे हैं, जंजीरें तो ऐसी खुल पड़ी। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और अपने जूते पहन ले, स्वर्गदूत कह रहा है। आगे पता चलेगा कि पता सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा, रियल में ये घटना घटित हो रही है। परमेश्वर का दूत पत्र से कह रहा है, कमर बांध और जूतियां पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया, हाँ, फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, स्वर्गदूत कह रहा है परमेश्वर कृष्ण। यहां करके लोग आपका कितना भी विरोध करें, आपको कितने ही परेशान करना चाहे, आपको बंदी में डाल दें, आपको थाने में पहुंचा दें, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन आप प्रभु के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, अपनी मानसिकता को ऐसी बनाए, चाहे सेवा करते करते मुझे मरना भी पड़े, याकूब को तलवार से मार डाले, साथ में धैर्य स्टीफनस को पथराव करके मार डाले, स्टीफनस को पथराव करके मार गया, इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें और यह फैसला करने की जरूरत, अरे हमारा एक भाई प्रभु में सो गया, विरोधी ने पथराव करके मार डाला, अब हम जो बचे हैं अपने काम को हम और तेज करेंगे और बढ़ाएंगे, ताकि उसके द्वारा भी किया जाने वाला काम हम लोग कवर कर सके। यहां भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत जरूर है। एक लड़की की गवाही को सुन रहा था, परिस्थितियां वैसी रहती है, उसको इतना डरा देता है कि कुछ हुआ नहीं रहता, पहले से डरा देता है। कौन गवाही थी, कौन लड़की है, हाँ कोई गवाही तुम्हारी ऐसी गवाही, परिस्थिति कुछ नहीं हुई वैसी है, लेकिन सोच सोच के पहले से ऐसा दिखा दिखा के कहा डरा देना, हमें डरने की जरूरत नहीं। अरे एक तो मरना ही है, काश कि प्रभु के शहीद हो जाए, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो जाए। धन्य वे लोग जो खुदा की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, इतना बड़ा सौभाग्य मिले तो। लेकिन दुनिया का मोह माया में हम लोग ऐसे फंसे हुए ना, पूरा कुत्ता बुद्धि हो गया, इससे बाहर निकलने नहीं चाहते। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, अरे सब तो मरेंगे। जो सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, उदाहरण के लिए जो सुसमाचार नहीं सुनाते हैं या प्रभु में नहीं भी हैं, तो बहुत सारी बहनें विधवा होती नहीं होती है, पता बहुत सारे पुरुष लोग विधवा बन जाते हैं, बहुत से बच्चे अनाथ बन जाते हैं, निकलते हैं ये दुनिया में। लेकिन प्रभु की सेवा करते करते ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होने वाली रहती है, वो सोच सोच कर हम डरते हैं, पति भी जाएगी, पति भी जाएगा, एक दिन पत्नी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, माँ बाप भी जाएंगे, कौन रुकेगा। मेरे माता पिता 83-87 साल की उम्र में 2020 में चले प्रभु में सो, अभी जो है जनवरी को मेरे ससुर जी सो गए, 31 जनवरी को मेरे मामा जी
रेवरेंड साहब ने जहां खड़कपुर वाले 90 साल की उम्र में वो सो गए, कौन रुकेगा दुनिया में, कौन रहेगा, एक रहेगा तो जाना ही है क्यों। लेकिन प्रभु की सेवा करने की बात आती है तो पहले से सोच सोच के कि मैं अगर सेवा करूं, खुलेआम लोगों से बात करूं इस समस्या के बारे में, तो मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो क्या आगे, बस सोच सोच के घर में लेटे हुए, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बता, ये जो महिला के दर्शन देखी कमतरे बाजार का, मैं बताऊं अपने साथ 3,000 लोगों को लेकर गई, क्यों मालूम है, डर के मारे, डर के मारे। उसमें से एक बुजुर्ग अंकल हमारे 75 साल के यादव जी हैं, रेलवे रिटायर, उनको पकड़ लिया। देखो दिमाग कैसे चलता है, वो सोचते हैं कि मान लो कुछ विरोध में जाता है तो दूसरे व्यक्ति को देख के थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कि सर मैं सोच रहा था। उसके बाद छत्रपाल को पकड़ ली, छत्रपाल धमनीवाल, अभी रायपुर में रह रहा है मेरे पास, लगभग महीना में होने वाला, बिल्कुल सुसमाचार कैंपेन बन गया है, लोग रोज 100 करोड़ 150-125 को निपटा ही देता है, खुले आम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाता है। उसकी कहानी सुन सुनकर वो सोचिए एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को रख ली। देखो कैसा आदमी जाना है सुसमाचार सुनाने के, लेकिन डर के मारे वो कैसे कैसे लोगों को लेके जाए। उस बार अगेरा से एक डॉक्टर डोगरी आए बेचारे इलाज के लिए, वो डॉक्टर भी पकड़ ले गई, तो उल्टी पकड़ ली, अपना 35 साल की है और एक जवान एक्सपर्ट को पकड़। वो सोच रहे होगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, तो उसके मन में अभी भी है। उसको मैंने बहुत समझाया और पिछली बार गवाही दी कि भैया मैं काम निपटाने के बाद अपने घर के बाहर 1 घंटा खड़े रहती हूँ और जितने लोग आते जाते हैं सबको रोक रोक के सुसमाचार सुना हूं। अब उसका डेरी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पढ़ आप अपने अरे आपको सुरक्षा करने वाला परमेश्वर ने दी, तू तो भेज दिया है और कमर बांध झुकिया पहन बस चल मेरे पीछे है और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। देख रहे जी, पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के फाटक के पास पहुंच गए जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। बोले थे हालेलुया, बड़ा लोहे का फाटक अपने आप, कारण कि सब का परमेश्वर पत्रस के फेवर, सब का परमेश्वर पत्रस के साथ, हालेलुया, वो महान परमेश्वर आपके फेवर में है। कृपया डरना बंद कर दें, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। सुसमाचार सुनाए, सुसमाचार न सुनाए तो आपके लिए हाय, और सुसमाचार सुनाए तो कोई घमंड की बात नहीं है। मेरे प्रियो, पत्रस को कलीसिया उस छुटकारे के लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में मेरे प्रियो प्रेरितों का 6 अध्याय में देखते थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा होगी, तो उन्होंने तुरंत उसको क्या किया, हैंडल कर लिया। वहां कलीसिया में समस्या पैदा नहीं हुई, ऐसा नहीं है, समस्या पैदा हुई युवाओं को लेकर कि हमारे युवाओं की सुधि नहीं ली जाती। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो और इस काम पर ठहरा दो, परंतु हम लोग जो मुख्य प्रेरित है, हम लोग तो प्रार्थना और वचन की सेवा में ही लगे रहे। हालेलुया, परंतु हम लोग प्रार्थना और वचन की ही सेवा में लगे रहे। खाना पीना रहता तो मास्टर परेशान, इधर से उधर उधर से उधर से उधर, फिर मैं को बोलता हूं यहां यहां बैठी भाई, इनको क्यों परेशानी हो रही है बताइए। खाना चलता है तो आप लोग देखते रहते हैं, आपके पास लोग उठकर काम करते रहते हैं और आप लोग बातचीत करते रहते हैं, क्यों ऐसे लीडर नहीं है यहां पर सरकार जो किचन को देख सके, भोजन व्यवस्था को देख सके, पास्टर को उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, बताएं कमेटी तो बनी हुई है, फिर क्या परेशानी। प्रथम शताब्दी कलीसिया में समस्या पैदा हुई, तुरंत उन्होंने
उसका हल निकाल दिया तुरंत, और कलीसिया स्मूथली चलती रही। आपसी मन मुटाव मतभेद पैदा हो रहा था, इन्होंने शैतान की युक्ति को समझा और तुरंत निर्णय किया, शैतान शर्मिंदा हो गया। वैसे कलीसिया में भी बीच बीच में शैतान कुछ ना कुछ फूट डालने वाली बात करता है। हम उसके विचारों को समझें, उसके कार्य को समझें। अरे फिर हमें लड़ाना चाहता है, फिर आपस में भिड़वाना चाहता है, उसका समस्या का तुरंत समाधान करें, उसको लंबा खींचकर नर्क में रखें और सब एक मन रेज दे। आपकी प्रार्थना सुरक्षा करे, आपकी प्रार्थना एक दूसरे की सुरक्षा करे। यहां पर अब देखो द्रोही करके बड़ा फाटक खुल गया अपने आप में। तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। बोले भलाई होगी परमेश्वर की, बोले भलाई होगी परमेश्वर की। मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने दास को पाई जज पाप ले कराया। कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई जज की जरूरत नहीं। आप सुसमाचार सुनाए और मैं बता देता हूं कि जो मुख्य प्रेरित यहां पर है, मेरे प्रियो जो मुख्य सेवक लोग हैं उन पर आधारित होकर सुसमाचार सुनाने की मत जाना। हो जाएगा दंगा, हो जाएगा हमको पकड़ लेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे तो फोन करेंगे तो तुरंत ये लोग वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा सोच के कभी मत जाना। किसी मनुष्य पर आधारित होकर, किसी मनुष्य पर आश्रित होकर आपको समाचार सुनाने का मत करें प्लीज। मैंने दिया है इस बार मैं स्पॉट पर पहुंच गया था, अगली बार नहीं पहुंचूंगा। क्या करोगे? मैं पहली बार आज स्पॉट में पहुंच गया था, मैं नहीं पहुंचा तो क्या करूं? इसलिए जो कुछ भी वहां घटित होता है उसका सामना करने की हिम्मत रखो। प्रवेशवासियों ऐसा ना सोचते हैं कि डॉक्टर मंडल को फोन कर देंगे, राजेश राय को फोन कर देंगे, बादशाह अवतार को फोन कर देंगे, तुरंत भूर करके आ जाएंगे। नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर भरोसा रखें। अब वो इनको भेजता है या और किसी को भेजता है, सेवा करना है तो सबके परमेश्वर भरोसा करें। सच में हमारे एक महिला है अंबिका साहू नाम की, शायद पहले कभी चर्चा किया, सब्जी बेचकर अपना जीवन चलाती है, जवान विधवा दो बच्चे की मां। मेरे प्रियो कई बार ऐसा हुआ तो थाने पहुंचे, और एक बार रायपुर से करीब 80-90 किलोमीटर गांव में पहुंची, परपोड़ी गांव में, अब वहां खुल्ला सुसमाचार सुनाना शुरू। एक स्थान के विरोधी लोग सब इकट्ठे हो गए और महिला को थाने मिले। उन्होंने पूछा कि किसने भेजा, कौन है तेरा बॉस? बोले मुझे यीशु मसीह भेजा है। बता कौन है वो, कहां रहता है, उसका नंबर क्या है? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, जो हूं मैं, मुझे प्रभु श्री का शांति मिली, मेरे शांति का प्रचार कर रही हूं। ये बात अलग है कि मैं हर आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट ले जाता फोन करके, बोलती भैया यहां बहुत भीड़ लग गई है, ऐसे होंगे वैसा होंगे, पुलिस वाला मन नहीं सुना समाचार प्रभु की भैया। पिछली बार में पहाड़ी जब थाने हम लोग थे तो टीआई साहब को लिए उस लेडीज का नाम लेकर बोल रहे थे, और इससे हम परेशान हो गए, इसका दर्जनों केस बन गया, दर्जनों केस। लेकिन वो लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ती परमेश्वर के, उसको पकड़ के अंदर रख देते, वही शुरू कर देते। इस तो हम लोग क्यों डरे? आप किसी पर आधारित होकर सुसमाचार सुनाने के लिए ना जाए प्लीज। सुसमाचार सुनाना अवश्य है। यदि यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिली है, यदि यीशु मसीह के द्वारा आप सोचते हैं कि मेरी आत्मा की मुक्ति मुझे मिल चुकी है एडवांस, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, मेरे जीवन को उन्होंने बदला है, अगर आपको पक्का विश्वास है तब तो आप आश कमेटी पहुंच जाएगी, सेक्रेटरी पहुंच जाएगा, सेवक लोग पहुंच जाएंगे, कोई पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो भी आपको जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा जीना मसीह और मरना लाभ, ये फैसला करके आप अपने घर से कदम निकाल। अगर ये फैसला आपका नहीं है तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपका मोबाइल भी रख लिया जाता है, किसको कॉल करो? भैया मोबाइल
सकता है, किसको कॉल करोगे? किसी कॉल नहीं कर सकते, बस एक ही व्यक्ति कॉल कर सकते, वो है स्वर्ग का परमेश्वर। वही मेरे आपको बचाएगा, वही बचाएगा जिसने शैतान में से कबूतर को आपके भट्टे से बचाया, जिसने तने को सिंह की मांस से बचाया परमेश्वर मिलो, वही स्वर्ग का परमेश्वर आपको भी बचाएगा। जिसने इसराइलियों को मेरे लिए मिस्रियों से बचाया, लाल समुद्र में डूब कर मरने से बचाया, वही परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। शैतान में से कबूतर ने क्या बोला? ए राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से जिसे तूने सात गुना धड़काने का आदेश दिया है उससे बचाने की शक्ति रखता है, और ना बचाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी खड़ी पर आए इस मूरत के सामने हम लोग दंगा नहीं आएंगे। क्या मन है? बोलिए मरे है कहां थे लोग? गुलाम थे, बेबीलोन में लाए गए थे मेरे अपने बंधन, भाई ऐसे स्थान पर भी उन्होंने डरी दिखाया, उन्होंने कहा कि हाथ के भट्टे से पर राजा तेरे हाथ से परमेश्वर ने छुड़ा सकता है, छुड़ाया तो हल्लेलुया, नहीं छुड़ाया तो हल्लेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा निर्णय करें, ऐसा फर्क करें, जब कुछ भी पैदा हो जाए मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु को सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु मेरे दासों को बचाया, मुझे बचाएगा, नहीं बचाया तो भी नो प्रॉब्लम, नहीं बचाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। याकूब का गर्दन काट दिया गया, याकूब की आत्मा तुरंत परमेश्वर के पास, कितने धन्यवाद, कितनी अच्छी बात। इसके तो सही हुआ था, पढ़ा सब अध्याय तो कम अंतिम तीन वचन को पढ़े, तो कम सात अध्याय अंतिम तीन वचन, और उससे कहा वो अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या कर रहे हैं? अंतिम तीन वचन बोला बेटा, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। स्टिफनस पर पथराव करने के बड़े जल्द थे कि बाबा लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे नहीं, क्यों लोग इस तरह की ताकत करते हैं? स्टिफनस के साथ ऐसा हुआ, ये मत सोचना कि स्टिफनस के साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों होगा, मेरी थोड़ी गिरफ्त थी। हम पूर्व धारणा को अपने दिमाग में बैठा देते हैं, नहीं याकूब को तलवार से काट दिया गया तो आपको भी तलवार से काटने की कोई अनिवार्य नहीं है, दानियों मसीहों के मान में डाल दिए तो आपको बिठाने की कोई अनिवार्य नहीं, सताव आ सकता है उसके लिए तैयार रहे प्लीज। जितने लोग भक्ति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यदि आप भी भक्ति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं तो सताव आ सकता है, सताव से डरने की जरूरत नहीं। हाँ आगे बढ़ो। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए, वे स्टिफनस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। देखो स्टिफनस पर वे लोग पथराव कर रहे हैं और स्टिफनस प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। देख रहे कैसे प्रार्थना कर रहा है। हाँ। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हाँ देख रहे, जिन्होंने पथराव किया उनके लिए प्रार्थना की और यह का करवा सो गया। हाँ शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखो कहां से पढ़े हो, ऊपर वचन पढ़े छप्पन फिफ्टी 56 कहा देखो स्वर्ग को खुला हुआ। हाँ स्टिफनस परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हाँ जी तब उन्होंने बड़े परमेश्वर के लोगों यहां पर स्टिफनस के साथ पथराव हो रहा है और यहां पर लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता। यीशु मसीह यहां पर परमेश्वर के राइट हैंड में है,
इस पुत्र के साथ जो घटना घट रही है मेरे प्रियो, यीशु मसीह खड़े वहां पर, यीशु मसीह वेलकम कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता परमेश्वर प्रभु, आप भी तैयार रहे। अगर सेवा करते करते सुसमाचार सुनाते सुनाते यदि मेरा जान भी चला जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हालेलुया। सब मेरे प्रियो इस गीत को चरितार्थ करें। जीना मसीहा मरना नफा है, बोले जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। सब बोले मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, मसीह बिना जीना बेकार है, जीने का आधार है, आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, जीने का आधार है। आमीन आमीन। आज मैं पौलुस के समान सब कहें मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। आप परमेश्वर के लोग इतनी भीड़ खुदा भेजने जा रहा है कुछ उम्र, हरेक के अंदर से भर भरी की आत्मा इस मसीह के नाम से बाहर आ जाए। आज यहाँ पर स्टेपनेस शहीद हो गया, परमेश्वर को महिमा। स्टेपनेस कहीं भी डरा क्या, बल्कि स्टेपनेस डरा ये तो मोबाइल में जा रहे परमेश्वर को और क्या चाहिए। 14 अध्याय बच्चों का 19 वचन से, 14 अध्याय 19 वचन। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। बातचीत ना करें प्लीज डॉक्टर। अब ये क्या कर रहे हैं, पौलुस पर पथराव कर रहे हैं। अभी हमने देखा था स्टेफनस को पथराव कर क्या किया, मार। परमेश्वर की इच्छा के बिना स्टेफनस इस दुनिया से नहीं जा सकता, स्टेफनस मार नहीं जा सकता। उसने कहा प्रभु मैं अपने आत्मा तुझे सौंपता हूं और खुदा से। यहां पर पौलुस पर एक पथराव हो रहा है परमेश्वर के लोग, लेकिन आप आगे देखेंगे कि पौलुस मरा नहीं, स्टेफनस शहीद हो गया। यहां पर पौलुस शहीद नहीं पाया कि खुदा के द्वारा अभी मेरे प्रियो को उसका समय बचा हुआ है सेवा करने के लिए, अभी उसका स्वर्ग होने का समय नहीं आएगा। हाँ नहीं, जब तक आपका स्वर्ग होने का समय नहीं आएगा तब तक आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते, अर्थात आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखें, मनुष्य का एक बार मानना और न्याय होना दोनों नियुक्त है। एक बार मानेंगे हम लोग, कब मानेंगे वो नियुक्त है। आप लोगों को देखते हैं अलग अलग उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं, आप किसी भी उम्र की क्यों ना हो, आप पुल के सुसमाचार सुनाओ, चौक में खड़े होकर आप सुनाओ मेरे प्रियो, जब तक खुदा आपको लेना ना चाहे कोई माइंड का लाभ आपको जान से मार नहीं सकता, कोई माइंड का लाभ जान से मार सकता। और उस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। देख रहे हैं पौलुस को मरा हुआ समझकर नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया। बोले जी हालेलुया। उठकर कहां गए, नगर में गया। हम लोग अरे भाई आप विधम टाइम
इतना पधराओ वहां इधर लगाते रहे उधर उधर टिंचर आइट लगाओ वो लगाओ ये करो वो करो है कोई बोले नहीं एक काम करके अस्पताल दिखा के कोई भीतरी खा होगा भीतरी चोट पड़ा होगा ये तो नगर कर दिया कोई विरोधी लोग के मारे हैं कोई सोचे मर गया निपट गया बस बहुत दक्षता लिखना हो गया निपट गया अच्छा काम हो गया अब देखते हैं बाकी का क्या करते हैं लोग और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया देख रहे दूसरे दिन क्या किया इसने दिर्बे को चला गया और 21 दिन तक वो खाट में पड़ा था 21 दिन तक वो आराम करता ऐसी आगे वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले आकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट गए बोले हालेलुया इतना मार पड़ी पौलुस को लेकिन क्या पौलुस चुप रहा शांत रहा डर गया नहीं मेरे प्रिय दूसरे दिन बरनबास के साथ कहां चला गया दिर्बे को चला गया दिर्बे को और मेरे प्रिय वहां पर नगर में वो लोगों को सुसमाचार सुना रहा है बहुत से चेले बना रहा आज मेरे प्रिय हम लोग भी ऐसी फैसला करें चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु चाहे लोग मुझे मारे पीटे इस पर पथराव के लोगों ने कुछ शहीद हो गया प्रथम शताब्दी का पहला सही लेकिन इस पर भी पथराव किया गया ये अभी मरा नहीं है इसकी सेवा अभी बाकी है इसकी दौड़ अभी बाकी थी मेरे प्रिय परमेश्वर पौलुस के हाथों से जो काम करना चाहता था अभी वो शेष था अभी वो बचा हुआ था मेरे प्रियो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कौन डरता है सुसमाचार सुनाने से हाथ उठाए बिल्कुल सर मैं किनको किनको डर लगता है सुसमाचार सुनाने से हाथ उठाए एक भी डरपोक नहीं कैसी गली से आई परमेश्वर को डरपोक रुकनी चाहिए गिदोन के समय में रही हूं आपको मालूम है मैदानी लोग 120,000 से व्यधित थे और गिदोन पहले वो डरपोक था अब तक आप डरपोक हैं या थे कोई बात लेकिन आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको कहता है ऐ शूरवीर सुरमा हालेलुया परमेश्वर एक डरपोक व्यक्ति को शूरवीर सुरमा बना सकता है गिदोन बहुत डरपोक था दाग के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था मिदानियों पे डर के बारे समझे कि मिदानी लोग बहुत परेशान करते थे इनके शत्रु थे इनके अनाज को भी चपट कर रहे थे कुछ भी इनके लिए नहीं रखते थे ना पशु रखते थे ना अनाज रखते थे इतना ये लोग भयभीत थे मेरे प्रियो और गिदोन तो नंबर वन डरपोक था लेकिन दूत क्या बोलता है नहीं कि पुस्तक छठा अध्याय में आए शूरवीर सुरमा आज मैं भी हम लोगों से कहता हूं आए शूरवीर सुरमा लोगों चलो और सुसमाचार सुनाओ खुदा की मर्जी के बगैर कोई आपको बाल भी बांका नहीं कर सकता आपको बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे प्रियो आप कुंवारी हैं कुंवारी लड़के हैं छोटे हैं शादी शुदा है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं आप जाएं लेकिन याद रखें आप सबको कैसा होना है एक मन और एक चेत किसी के प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट है नहीं रखता पवित्र जीवन जीना है ठीक है मैं तो व्यभिचार नहीं करता मैं तो शराब नहीं पीता मैं पवित्र हूं बोलने से काम चलने वाला नहीं किसी के प्रति आपके मन में कुछ भी है तो उसे क्या करें बाहर निकाल के और पूरा पवित्रता के साथ जीवन यापन करें ये अपवित्रता हमारी सेवा में बहुत बड़ी पावर है मैं हमारे चौकी तरफ था भी बुधवार को महापास्टर बिना नाथ को मैंने वचन खोलने दिया बड़ा खुलकर उन्होंने बात किया बल्कि उन्होंने प्रचारकों पर प्रहार कर दिया था परमेश्वर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ
पूरी अभिलाषा रहती है, कहीं ना कहीं गड्ढा रहता है, और वही गड्ढा वही पूरी अभिलाषा हमें सेवा में आगे बढ़ने से रोकती है। या जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पूर्ण होगा, वही आपको पवित्र जीवन जीने से रोकता है। आज दानियेल के समान ठान ले कि मैं यीशु मसीह के लिए पवित्र रहूंगा, यीशु मसीह के लिए पवित्र रहूंगी। हाँ मेरे, पवित्र रहेगा आपको सेवा करता है, समझ में आया? इसके लिए चाहे आपका कुछ भी नुकसान होगा, पवित्र रहना ये है जरूरी है, वैकल्पिक नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, यीशु ने ठाना था और वो पवित्र जीवन यहां पर किया। यीशु प्रेमियों को जमा था, यीशु के अंदर में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसके अंदर में जमाने की अभिलाषा नहीं रही होगी, था मौजूद था प्रेमियों, लेकिन उससे भी कहीं वो पढ़कर ठान लिया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, परमेश्वर की दृष्टि पुराने बनूंगा। अगर यीशु के अंदर में जमाने की अभिलाषा नहीं होती, बाद में यीशु शादी क्या नहीं किया? क्यों शादी किया? वो परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार जीवन साथी चाहता था, पराई की बीबी के साथ वो गलत नहीं किया, पोती पर बीबी के बराबर उसने ठुकराया, उसकी सजा वो देर था नहीं, कोई बात नहीं। आप ये पवित्र जीवन जीने का निर्णय करेंगे मेरे प्रियों, हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसी परिस्थिति में फंसे, आपके विरोध में लोग बात करें, विरोध में खड़े हैं। उदाहरण यहां पर मान लो कोई लड़का लड़की कुमारे लोग या कोई शादीशुदा अगर फंसे हुए हैं सपोज, और संबंध बहुत गहरा चला गया, अर्थात मेरी चार अंगों का मेरे प्रियो, और उनमें से कोई एक यहां मौजूद हो और आज फैसला करे कि मैं यहां कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब उसी बात को मैं नहीं मानूंगी, मैं पवित्र जीवन जीऊंगी और वहां से जाने के बाद फोन कर देती है, हो सकता है दूसरे हम कर दे अपना है, ब्लैकमेल कर सकता है, तेरा फोटो मेरे सामने वाला है, तेरे घर में भेज दूंगा, पेपर में छपवा दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी, सब का परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं। पिंड जो पवित्र जीवन यहां पर करेगा, निर्णय लेते हैं, परमेश्वर को पसंद करता है, परमेश्वर के पक्ष में लगा ले, लोगों के डराने धमकाने से डरने की जरूरत नहीं। कई ऐसे केसेस में जानता हूं मैं, जहां पर लड़का लड़की को ब्लैकमेल करता है, और जहां पर लड़की के बाद लड़का को ब्लैकमेल करती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसके पास सामने बचाए कोई भी प्रूफ क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज फैसला करें, आज फैसला करें कि प्रभु मैं आपके लिए पवित्र रहूंगी, प्रभु मैं आपके लिए पवित्र रहूंगा। लड़की कहते हैं नहीं।